When intelligence is added to premium features, everything is elevated. The camera enhances every shot. The QHD display broadens the view of what's possible while reducing low blue light. तो हेलो गाइस सर, आज की इस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लैपटॉप अंडर 30K। तो फ्रेंड, यदि आपका बजट 30K है और आप एक लैपटॉप परचेस करना सोच रहे हैं, तो फ्रेंड यार आपने सही वीडियो में विजिट किया है। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको एक ऐसा लैपटॉप मैं बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड यार, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके भाई का नाम एहसान है और आप देख रहे हैं टेक टू एहसान चैनल। सो गाइस यार, बात ये नहीं है कि आप एक लैपटॉप परचेस कर रहे हैं 30K का या फिर 50K का या फिर कितने का भी। तो बात ये है कि आपकी जो पैसे है, मतलब कि वो मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, तो आप उन्हें ऐसे ही बर्बाद तो नहीं कर सकते ना कोई सा भी लैपटॉप परचेस करके। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से सजेशन करूंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप आपके लिए अच्छा रहेगा टॉप 5 अंडर 30K में। तो चलिए फ्रेंड यार, बात कर लेते हैं हमारे 5th नंबर लैपटॉप की। तो देखो यार, जो हमारा फर्स्ट लैपटॉप है वो आयसर के साइड से आपको देखने को मिल जाएगा इस बजट रेंज में। और फ्रेंड यार, जो इसका प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। मैं बात कर रहा हूँ आयसर S10 15 Thin की। तो फ्रेंड यार, ये जो लैपटॉप है अपने साथ में बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आ जाता है। तो फ्रेंड यार, ये जो लैपटॉप है आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और फ्रेंड, मैं इस बजट में आपको टच स्क्रीन वाला लैपटॉप भी बताने वाला हूँ और एक कंफर्टेबल वाला लैपटॉप भी बताने वाला हूँ स्टूडेंट के लिए भी। तो आप इनमें से 5 लैपटॉप में से अपने लिए चूज कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं हमारे S10 15 Thin की। तो फ्रेंड, इसमें प्रोसेसर आपको पेंटियम सिल्वर N5030 देखने को मिल जाता है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा इस बजट से हो जाता है। और फ्रेंड यार, रैम रोम की बात कर लें तो इसमें मैंने 2 ऑप्शनल रखा हुआ आपके लिए। यदि आप एक SSD लेना चाहते हैं तो SSD के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप एक 1 TB वाला इसी का वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड यार, इसमें आपको 4GB की रैम और 256GB की रोम देखने को मिल जाती है, और दूसरे वेरिएंट में आपको 4GB की रैम और 1 TB का हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगा। तो आपको लिंक सारे लैपटॉपों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। और फ्रेंड, मैं आपको फायदा बता देता हूँ ऑनलाइन परचेस करने का। तो फ्रेंड, आपको 7 डे का रिप्लेसमेंट गारंटी देखने को मिल जाती है, मतलब कि फ्रेंड आपने 7 डे के अंदर में लैपटॉप परचेस किया है और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं और दूसरा लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। और यदि आप एक ऑफलाइन से परचेस करते हैं कोई भी लैपटॉप को, तो वहां से जो डीलर होते हैं वो एक बार वो आपने लैपटॉप ले लिया तो उसके बाद में आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, सर्विस सेंटर पहुंचाते हैं तो वो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो आपको ऑनलाइन परचेस करने में ये फायदा हो जाता है, आपको रिप्लेसमेंट की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अदर फीचर की। तो फ्रेंड यार, इस लैपटॉप के अंदर में आपको विंडो 10 देखने को मिल जाता है, आप इसे अपग्रेड करके 11 में भी अपडेट कर सकते हैं। और फ्रेंड यार, इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि इंटीग्रेटेड कार्ड इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप हल्की फुल्की गेमिंग वगैरह या फिर एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और जो इसकी डिस्प्ले है वो भी आपको 15.6 इंचेस की एक लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यदि आपको बड़ा लैपटॉप परचेस करना है बड़े डिस्प्ले वाला, तो ये जो लैपटॉप है आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड यार, ये था हमारा 5th नंबर का लैपटॉप। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे 4th नंबर लैपटॉप की। तो फ्रेंड यार, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि अपने लिए 30,000 के बजट में आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें कि टच स्क्रीन हो और आप अच्छे से उसे कैरी कर पाए, मतलब कि हल्का फुल्का हो, पोर्टेबल हो, आप उसे कॉलेज वगैरह लेके जा सकें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो अच्छे से कंबाइंड हो सके, तो फ्रेंड यार मैं आपको बता दूं, HP के साइड से आपको HP 14 वीवो बुक देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, इसके अंदर में एक खास बात ये है कि आपको इसमें क्रोमबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जिसको पता नहीं है क्रोमबुक क्या होता है, तो फ्रेंड क्रोमबुक एक विंडो 10 का जो लाइट वर्जन होता है, मतलब कि फ्रेंड इसके अंदर में आप अपने जो फ्री इंस्टॉल जो मोबाइल में जैसे कि एप्स यूज करते हैं वैसे ही आप अपने लैपटॉप में भी यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड बड़ा आसान हो जाता है इस लैपटॉप को चलाना। यदि आपसे लैपटॉप चलाना नहीं आता है तो आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हैं। और यार, इसमें हमें 14 इंचेस का टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस बजट सेगमेंट में, तो फ्रेंड ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। बात कर लेते हैं स्टोरेज की, रैम रोम की। तो फ्रेंड, इसमें आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाती है और जो इसका स्टोरेज है वो आपको 256GB की SSD देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड है ना ये कमाल की बात। और फ्रेंड बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसमें हमें इंटेल सेलेरॉन 4020 देखने को मिल जाता है
आता है तो फ्रेंड इस बजट में बहुत अच्छा ये प्रोसेसर माना जाता है। तो फ्रेंड ये था हमारा फोर्थ नंबर का लैपटॉप, आई होप कि ये वाला जो लैपटॉप है आपको पसंद आया होगा। आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड नंबर लैपटॉप। तो फ्रेंड यार जो थर्ड नंबर का लैपटॉप है आसूस के साइड से आपको देखने को मिल जाएगा, आसूस का वीवो वो 15 आपको देखने को मिल जाएगा इस बजट सेगमेंट में। और फ्रेंड बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें प्रोसेसर आपको डुअल कोर इंटेल का 4020 देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। और फ्रेंड बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी इसमें हमें एक लार्ज बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 15.6 इंचेस की। इसमें आपको 4GB की रैम और 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं इसके अदर स्पेस की, तो इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी आ जाता है साथ में ही, और विंडो 11 का अपडेट आपको साथ में ही देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, यदि आपको ASUS का पसंद है लैपटॉप तो आप ASUS के साइड से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड नंबर लैपटॉप। तो यार फ्रेंड यदि आप बहुत देर से वेट कर रहे थे एक डेल का लैपटॉप की, तो फ्रेंड डेल के लैपटॉप को मैं आपके लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। तो फ्रेंड आपको अंडर 30K में एक डेल का लैपटॉप देखने को मिल जाता है जो है डेल 15 2021। तो फ्रेंड ये जो लैपटॉप है आपके साथ में बहुत ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आ जाता है। तो फ्रेंड प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एथलॉन सिल्वर 3050U का जो प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही इसमें 2GB की रैम और 256GB की आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। 256GB के स्टोरेज मतलब की SSD देखने को मिल जाती है, जो हार्ड डिस्क होती है उससे 10x फास्टर आपको देखने को मिल जाएगी SSD में। और साथ ही फ्रेंड इसमें आपको विंडो 11 का अपडेट और साथ ही इसमें 21 ऑफिस MS ऑफिस देखने को मिल जाती है, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इसमें ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें भी आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फुल डिस्प्ले 15.6 इंचेस की एक HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अब आता है हमारा फर्स्ट नंबर का लैपटॉप। तो फ्रेंड यार जो फर्स्ट नंबर का लैपटॉप है वो बहुत ज्यादा ही किफायती आपको देखने को मिल जाएगा, Lenovo IdeaPad 3 बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्टिव स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं स्पेक्स की, तो इसमें आपको इंटेल सेलोरॉन 4020 का एक प्रोसेसर दमदार प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और जो इसकी डिस्प्ले है वो आपको 14 इंचेस की HD डिस्प्ले लाइट वेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड इसकी जो खास बात है आपको इसमें एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डेडिकेटेड एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड आपको इस बजट में एक फिंगरप्रिंट बटन के साथ में देखने को मिलेगा, तो जो आपका लैपटॉप है आप उसे कोई कहीं पर भी छोड़ दीजिए, आपका जो लैपटॉप है वो उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता है। बात कर लेते हैं अदर स्पेक्स की, तो इसमें आपको विंडो 11 का अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 और MS ऑफिस का अपडेटेड वर्जन देखने को मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं रैम और रोम की, तो इसमें भी आपको 4GB की रैम और 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी SSD के साथ में। तो सारे जो मैंने लैपटॉप बताया है उनमें सिमिलर आपको 4GB की रैम और 256GB की SSD देखने को मिल ही जाती है। सो आई होप यार फ्रेंड ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और पांच लैपटॉप में से सबसे ज्यादा आपको कौन सा किफायती कौन सा बेस्ट लगा आप कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो आप इस चैनल पे देख सकते हैं फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।